देवताओं। महाराज इंद्र के श्री चरणों में चंद्र देव का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। मैं जानना चाहता हूं मेरे देवों, वैसे हम सभी देवता भयभीत बहुत रहते हैं, अत्याचार की सीमा बढ़ती चली जा रही है, धरा पर इतना अत्याचार हो रहा है, हम देवता दुराचारियों के सामने पक्षियों का भी वेश बना लेते हैं, छुप जाते हैं, पर करें तो क्या करें। जिस नारायण ने ये वचन दिया था, देवताओं धैर्य रखो, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं आ रहा हूं, आ तो गए लेकिन हमारा दुख दूर नहीं हुआ। कोई शुभ समाचार हो तो बताओ। महाराज जो समय हमारे अनुकूल था आज विपरीत होता चला जा रहा। विपरीत? हाँ, समय विपरीत भयो, स्वर धर्म गयो, वैभव मर्याद मिटाने, रावण तेज भयो जग में, घन मालन ते भरवात पानी। देव सभी ग्रह काज करे, जोर रहे यह की रजधाने, योग भोग विध्वंस करे, मुनियन से कर ले रो माने। उस रावण का अत्याचार सारे संसार में फैला हुआ महाराज, और इधर श्री राम जी ने जगत कल्याण के लिए अवतार लिया था, वो राजा बनने के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? वो परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। प्रातः होते ही उनका तिलक हो जाएगा। प्रातः यदि वो राजा बन गए, हम देवताओं का क्या होगा? हम देवता तो भयभीत वैसे भी है, अनाचार अत्याचार और बढ़ जाएगा, वो राजकाज में लिप्त हो जाएंगे, हम देवताओं की कोई आवाज सुनने वाला नहीं। पर करूं तो क्या करूं। महाराज जब बालक पर कोई कष्ट आता है तो बालक अपनी माँ के पास जाता है या माँ स्वयं बालक के पास आ जाती है। हम देवताओं की माता सरस्वती है, अपनी विनय माता को सुनाई जाए। क्यों ना माँ को आहूत किया जाए। ममता मई माँ अपने बेटों का हर दुख दूर करती है, तो क्यों ना माँ का आह्वान किया जाए। चलिया माँ चलिया Yeah.
सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्ष विद्या हम दही नमस्तुभ्यम्। बोलिए सकल कहें सब होए काली, विघ्न मनावहि देवि कुशली। तिनहि सुहाइना अवधि बधावा, चोरहि चांदन राति न भावा। सारद बोल विनय सुर करहि, बारही बार पाई ले परही। जय हो जननी। हे आप देवता हो, कहिए मुझे किस लिए याद किया? हे माँ, माँ बेटों की हर बात जानती है, पर ये माँ है, माँ की ममता है कि जब तक बालक बोलते नहीं है, बालकों की आवाज सुन नहीं लेती, तब तक मन को शांति नहीं मिलती है माँ को। हे माँ, आप तो जानती हैं परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हो गया है। हम देवताओं का दुख दूर करने के लिए, भूखा बार हटाने के लिए, लेकिन वो राजा बनने वाले हैं। विपति हमारी बिनो कौन सी प्रार्थना? कि जो राम प्रभु श्री राम राजा बन रहे हैं, वो राजा ना बन पाए मां। विपति हमारे बिलो राम जाय बन राज तज, राम जाय राम जाय राम जाय बन राज तज, होए सकल सुका। हे जननी, आप तो जानते हैं जन जन सुखाई के लिए परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया है, इस भूख अभार हरने के लिए, हम देवताओं का दुख दूर करने के लिए। मा तू हमारी प्राणों से प्यारी, कर दो इतना का प्राणों से प्यारी, कर दो इतना का राजा राम ना बन पाए मां। सर पे सजी राजा राम
प्राणों से प्यारी चंदनी हमारी, प्राणों से प्यारी चंदनी हमारी, कर दे कितना काज राजा बिना बन पाए सर पे सजे राजा बनने वाले हैं वो राजा ना बन पाई मां, ये क्या कह रहे हो बेटा के राम राजा ना बन पाए? हाँ मां, कैसे कैसे देवता है जो दूसरों का भला नहीं चाहते, और ऊंची निवासी नीचे कर संसार के हित के लिए मैं ये करना चाहता हूँ माँ, अपने सुख के लिए नहीं संसार के सुख के लिए माँ। अगर जब बच्चा माँ को याद करता है तो माँ उसकी पुकार जरूर सुनती है। अगर तुमने मुझे याद किया है तो जाओ, तुम्हारी पुकार जरूर अवश्य पूरी होगी। जय हो माँ। बोलिए सरस्वती मैया की। जाओ मां पधारो देवताओं, हमारा काम बन गया। अब वही होगा जो तुम सब चाहते हो।